हेलो एवरीवन। तो ये मैंने 30 मेकअप लुक क्रिएट किया है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने वाला है। अगर आप न्यूली मैरिड हो तो आप पे भी ये मेकअप बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि मैंने इसको कैसे क्रिएट किया है। तो फर्स्ट टाइम हम लोगों को लिप बाम लगा लेना है। मैंने फेस वॉश कर लिया है और फेस पे कुछ भी नहीं है। अभी लिप बाम लगा लूँगी और लिप बाम के बाद हम लोग हमारा मेकअप स्टार्ट करेंगे। तो लिप बाम के बाद जो फर्स्ट स्टेप होती है ना, वो प्राइमर होती है। प्राइमर के लिए मैंने पतंजलि का एलोवेरा जेल ले लिया है। बहुत ही अच्छे से प्राइमर की तरह एक्ट करता है और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। सारे प्रोडक्ट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप लिंक के थ्रू जाके सारे प्रोडक्ट्स को ले सकते हो और इस मेकअप लुक को क्रिएट कर सकते हो। तो प्राइमर से क्या होता है ना, हमारा मेकअप जो है लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है और पोर्स भी मिनिमाइज हो जाते हैं और ड्राई केकी भी नहीं दिखता है। तो आप देख लो, मैं अच्छे से इसको ना मसाज कर रही हूँ। आईज़ के ऊपर अच्छी तरीके से लगाना है क्योंकि हम लोगों का आई मेकअप फिर बहुत ही ड्राई दिख सकता है और आईज़ भी एकदम एजेड लग सकती है। इसीलिए अभी प्राइमर का स्टेप हो गया मेरा, आप देख सकते हो। अभी प्राइमर के बाद जो सेकेंड स्टेप होती है ना, वो कंसीलर होती है। मैं आई मेकअप से स्टार्ट करूँगी तो मैं कंसीलर लगाऊँगी और कंसीलर के लिए मैं निक्स प्रोफेशनल का कंसीलर ले रही हूँ। मेरे फेस पे ना ज़्यादा डार्क सर्कल आइज़ के नीचे नहीं है। अगर आपको ज़्यादा डार्क सर्कल्स है तो आप ना कलर करेक्टर का भी यूज़ कर सकते हो, मतलब कंसीलर से पहले। तो देख लो आप, मैंने निक्स का कंसीलर लिया है और कंसीलर आप जब भी लो ना तो आपके फाउंडेशन के शेड से 1 शेड लाइटर होना चाहिए, तो हमारी आई जो है ना ब्राइटन अप दिखती है और थोड़ी सी अच्छी भी दिखती है। तो इसको ब्लेंड करने के लिए मैंने ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ किया है और ब्यूटी ब्लेंडर को मैंने पानी में थोड़ा सा गीला करके उसका सारा पानी जो है ना वाइप ऑफ कर लिया है। तो इस ट्रिक से अगर आप कंसीलर लगाओगे तो आपका कंसीलर आपके क्रीज में नहीं जाएगा और एकदम सॉफ्ट क्रीज दिखेगी और इसके ऊपर जो भी मेकअप करोगे वो भी मेकअप भी फिर अच्छा दिखेगा। इसीलिए ब्लेंडिंग प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्लेंडिंग से मेकअप अच्छा दिखता है। मैं फिर से चेक कर रही हूँ अच्छे से ब्लेंड हो गया है नहीं। मेकअप की ट्रिक एक ही है, ब्लेंडिंग प्रोसेस, आई मेकअप हो या फिर अदर फेस मेकअप हो। अभी मैं मेरे आईब्रोज को कॉम कर रही हूँ कॉम्बिंग ब्रश से, तो एक आईब्रोज को ना शेप मिल जाता है, आप देख सकते हो। अभी इसके बाद में मेरे आईब्रोज को फिल कर लूँगी और उसके लिए मैं वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो पैलेट ले रही हूँ और कुछ इस तरीके का मतलब ब्रश लेके उसको ना ग्रे कलर से मैं फिल कर लूँगी मेरे आईब्रोज को। ग्रे कलर का अगर आईब्रोज फिल करने के लिए यूज़ करोगे ना आप, तो आईब्रोज बहुत ही ज़्यादा नेचुरल दिखेंगी और एक अच्छा लुक भी आएगा आईब्रोज को आपका, आप देख सकते हो। उतना ज़्यादा डार्क भी नहीं लग रहा है और डिफरेंस देख सकते हो आप दोनों आईब्रोज में। अभी मैं दूसरे आईब्रोज भी फिल कर लूँगी इसी तरीके से। वीडियो ज़रूर थोड़ा सा लंबा है लेकिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, तो वीडियो को लास्ट तक देखा करो, तो आपके लिए जो भी स्टेप्स मैं बताती हूँ आपको अच्छे से फॉलो करने को आएगी। आप देख लो, मैंने दोनों आईब्रोज को अच्छी तरीके से फिल कर लिया है। तो अभी मैंने क्या किया है ना, और एक ब्लेंडिंग ब्रश लिया है, थोड़ा सा स्पंजी वाला, छोटा ही है वो, और मैं अभी निक्स का प्रोफेशनल कंसीलर लेके फिर से मेरे आईब्रोज को
क्लीन करने के लिए आईब्रोज के ऊपर और नीचे थोड़ा सा कंसीलर लगा लूँगी। इस स्टेप से क्या होता है ना, हमारी जो आईब्रोज होती है ना, जो भी हम लोगों ने फील की होती है, उनको बहुत अच्छा सा एक शेप मिल जाता है और बहुत ही ज़्यादा क्लीन और डिफाइंड लगती है। इसीलिए मैंने थोड़ा थोड़ा सा मेरे आईब्रोज के ऊपर और नीचे भी लगा लूँगी थोड़ा थोड़ा। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से लगाना है आपको। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छे और हेल्पफुल वीडियोज़ आपके लिए मैं लेकर आती हूँ। आप देख सकते हो क्लीन हो गई है आईब्रोज अच्छे से और थोड़ी डिफाइंड भी लग रही है। अभी इसके बाद उसको भी मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी कंसीलर को, तो कंसीलर भी हार्श नहीं दिखेगा, मतलब कुछ लगाया है इसे नहीं लगेगा। अभी इसके बाद मैं कंसीलर को सेट करूँगी। कंसीलर को सेट करने के लिए मैंने फिट मी का कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है, इसमें मेरा शेड है 110। तो अभी मैं फ्लफी ब्रश से मेरे कंसीलर को सेट कर लूँगी। कंसीलर सेट करने से हमारा आई मेकअप सॉफ्ट दिखता है, इसीलिए मैं कंसीलर को सेट कर रही हूँ अच्छे से। बहुत ही केयरफुली लगाना होता है कॉम्पैक्ट पाउडर, नहीं तो आईज में चला जा सकता है। आप देख लो मैंने मेरे कंसीलर को अभी सेट कर लिया है। अभी इसके ऊपर हम लोग हमारा आई मेकअप कर सकते हैं। आई मेकअप तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, 2 या 3 स्टेप्स में ही हो जाता है। तो आप देख लो मैंने स्वीट मिंट का आई शेडो पैलेट लिया है और उसमें से मैं अभी रेड कलर को पिक कर लूँगी और मेरे क्रीज पे उस कलर को कुछ इस तरीके का ब्लेंडिंग ब्रश लिया है, छोटा सा फ्लफी ब्रश, उसी से मैं मेरे दोनों आइज के क्रीज में रेड कलर को लगा लूँगी और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड करना होता है उस कलर को भी। आप देख सकते हो आउटर वी पे भी थोड़ा सा लगा रही हूँ। अभी ये थोड़ा सा फेंट लग रहा है, लेकिन ग्लिटर लगाने के बाद आई मेकअप एकदम से चेंज होता है। आप देख लो आगे कितना अच्छा दिखता है आई मेकअप ग्लिटर लगाने के बाद। मैंने दो दो या तीन ही स्टेप रखे हैं आई मेकअप के लिए, क्योंकि वो आपके लिए इजी भी हो जाएंगे और आपको आई मेकअप मतलब करने को भी आएगा, मतलब जो भी बिगिनर्स वगैरह है उनको भी आ जाएगा अच्छे तरीके से। कुछ नहीं, वो क्रीज में रेड कलर लगा लूँगी और फिर उसके बाद डायरेक्टली मैं मेरे इनर आईलिड पे ना ग्लिटर लगा लूँगी। देख लो मैं अच्छे तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ उसको। अभी मैं ग्लिटर लगा रही हूँ, देख लो आप। कुछ मैंने रेडिश कलर का ही है, रेड और गोल्डन मिक्स है, उस कलर का ग्लिटर लिया है और अभी मैं मेरे इनर आईलिड पे उसको लगा रही हूँ, तो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा ब्राइडल लुक आएगा और आई मेकअप भी मतलब उभर के आएगा, थोड़ा अच्छा दिखेगा। दोनों साइड पे लगा लूँगी मैं इसको और हैंड से ही लगा रही हूँ, हैंड से अच्छे से बैठता है। और फिर जो भी एजेस रह गई है उसको आप ब्रश की हेल्प से लगा सकते हो। बहुत ही अच्छे से लगाना होता है ग्लिटर, नहीं तो नीचे आईज के नीचे भी आ सकता है वो। अभी ब्रश की हेल्प से मैं जो भी एजेस रह गए हैं ना उसको क्लीन आउट कर रही हूँ और एकदम ऐसा सॉफ्ट लगेगा वो, फिर इसीलिए दोनों साइड पे कर लूँगी क्लीन उसको। अभी मैं फाउंडेशन लगाऊँगी। आई मेकअप कंप्लीट हो गया है तो फाउंडेशन के लिए मैंने फिट मी का फाउंडेशन लिया है और इसमें मेरा शेड है 115। सो आपको आपके शेड का फाउंडेशन ले लेना है और पूरी फेस पे डॉट डॉट मोशन में आपको फाउंडेशन लगाना होता है, तो इजीली स्प्रेडिंग भी इजीली हो जाती है, मतलब स्प्रेड हो जाता है वो इजीली। और फिर से इसको ब्लेंड करने के लिए मैं ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ कर लूँगी। ये ब्यूटी स्पंज है और उसको मैंने वाइप ऑफ कर लिया है पानी में,
थोड़ा सा उसको गीला करके, तो आप देख सकते हो बहुत ही इजीली हम लोगों को टैप टैप करना है, मतलब रगड़ना नहीं है, रगड़ने से फाउंडेशन अनइवन दिखता है, इसीलिए ओनली टैप टैप करना है। ये अभी थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है फाउंडेशन, लेकिन बाद में बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखता है। ब्राइडल के लिए और न्यूली वेड के लिए है तो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा मेकअप भी अच्छा लगता है। अभी मैं फिट मी के ही कॉम्पैक्ट पाउडर से मेरे पूरे मेकअप को सेट कर लूँगी। कॉम्पैक्ट पाउडर को यूज़ करना इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो मेकअप है ना, वो बेस जो है ना, वो अच्छा दिखता है इसीलिए। इसको पूरी तरीके से अभी कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट करती हूँ। फ्लफी ब्रश लिया है मैंने। अभी मैं मेरा आईलाइनर लगा लूँगी। आईलाइनर के लिए मैंने लैश प्रिंसेस का आईलाइनर लिया है और बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड और अच्छा आईलाइनर है ये। तो देख सकते हो आप, मैं आईज़ के ऊपर मतलब दोनों ही साइड पे लगा रही हूँ, ऊपर और नीचे आईलैशेस को। आईज़ एकदम ओपन अप लगती है इससे और हमारा आई मेकअप भी उभर के आता है इसीलिए। आप देख सकते हो अभी इसके बाद ना मैं ब्लश लगाऊंगी और ब्लश के लिए मैं वेट एंड वाइल्ड का ब्लश ले रही हूँ। तो फ्लफी ब्रश की हेल्प से स्माइल करके हमें हमारे चिक पे ब्लश लगाना होता है। आप देख सकते हो ब्लश लगाने से नेचुरली पिंक लगते हैं हमारे चिक। अभी ब्लश के बाद मैं हाइलाइटर लगा लूँगी और हाइलाइटर के लिए अभी मैं वाइट हाइलाइटर का, वाइट कलर का यूज़ करूँगी और मेरे चिक बोन पे उसको लगा लूँगी। थोड़ा ही लगाया है मैंने, इसका भी अच्छा पिगमेंट है, अच्छा दिखता है ये लगाने के बाद। जहाँ पे भी आपको हाइलाइट करना है आपके फेस पे, वहाँ पे लगाओ। मैं नोज़ पे लगा रही हूँ, चिक बोन पे लगाया, अभी मैं क्यूपिड बो पे और मेरे फोरहेड पे भी लगा लूँगी उसको। आप देख लो कैसे लगा रही हूँ मैं। तो अभी सारा मेकअप हो गया है, तो मेकअप सेट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसीलिए मैं मेकअप स्प्रे का, सेटिंग स्प्रे का यूज़ करके ब्यूटी स्पंज पे उसको स्प्रे कर दूँगी और पूरे फेस पे मतलब उसको लगा लूँगी सेटिंग स्प्रे को। ये जो सेटिंग स्प्रे है ना, अच्छा है लेकिन आइज़ को थोड़ा इरीटेट करता है। तो आप देख लो मैंने लगा लिया इसको, तो मेकअप बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट दिखता है, पाउडर प्रोडक्ट ऐसा पाउडर पाउडर नहीं दिखता है। तो मैंने एयरिंग्स बिंदी लगा लिए है, अभी मैं लास्ट स्टेप करूँगी और वो है बैंगल्स। आप देख सकते हो मेरे बैंगल्स कितने अच्छे हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। आप बताना कमेंट सेक्शन में आपको कैसे लगे मेरे बैंगल्स। और ये मल्टी कलर बैंगल्स है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे और किसी भी ड्रेस पे ये या साड़ी पे भी सूट करेंगे। और मेरे एयरिंग्स में झुमके वाले एयरिंग्स पहनी हूँ, आप बताना मुझे आपको कैसे लगे एयरिंग्स भी। और मेरा मेकअप लुक अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर भी कर देना। तो आप देख लो मैं पास से दिखा रही हूँ आपको। तो गाइस आज के लिए इतना ही, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।